आज तो कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहेंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरा चैनल फ्यूचर मिलियनरीज लाइव पे। तो गाइस बेसिकली ये एक टाइप का हेल्पिंग चैनल भी हो आप लोग कह सकते हो। भर भर के गिवअवेज भी होंगे जो बड़े बड़े स्ट्रीमर्स 10-12 मिलियन पे भी करते नहीं है। करते हैं, बुरा नहीं माने इसलिए मैं बोल रहा हूँ करते हैं। ओके, वो आप समझ जाना। वो टाइप का गिवअवे में एक 1K सब्सक्राइबर से चालू कर दूंगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि इसने यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है गाइस। वो रीज़न सिर्फ मेरे जैसे मिडिल क्लास वाले बंदे को ही पता चलता है। तो सुनना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिना कुछ टाइम वेस्ट किए आपको डायरेक्ट इंसिडेंट बताता हूँ मैं। एक बार बुक स्टॉल गया था पेन समथिंग कुछ लेने के लिए, मेरे को भी याद नहीं है। तो मैंने वहाँ पर देखा कि 3-4 लोग स्टेयरकेस पे बैठे थे। वहाँ पे बाजू में एक स्टेयरकेस है उसमें, और कोने में एक बंदा बैठ के रो रहा था। मैंने सोचा कि मैं पूछ लूँ कि क्या बात है। 3-4 बार पूछा मैंने उसको कि क्या बात है भाई, बताओ, अगर कुछ मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। कुछ ज़्यादा ही इमोशनल था वो बंदा। फिर भी लास्ट बार मैंने पूछ के देखा कि क्या बात है भाई, क्यों रो रहा है, कुछ हो गया है क्या, देखता हूँ मैं कुछ कर सकता हूँ तो करता हूँ तुम्हारे लिए, रोना तो बंद करो। इन बंदे लोग के पास ले गया जो स्टेयरकेस पे बैठे हुए थे, और उसने बताया कि ये लोग मेरे को गेम नहीं खिलवा रहे हैं। तो मैंने उस 3 बंदे से बोला कि इसको भी खेलने दो भाई, क्या दिक्कत है तुम लोगों को, एक जन की बारी पते तो इसको दे देना। सामने से एक बंदा बोला मेरे को कि भाई उसके पास मोबाइल ही नहीं है, हम कहाँ से खिलवाए, फ्री फायर खेलने के लिए मोबाइल चाहिए भैया जो इसके औकात से बाहर है। मैं वो बंदे को बोला ये लोग तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं है, अगर होता तो ऐसे औकात वाली बात नहीं करते। मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा पापा क्या काम करते हैं। तो उसने कुछ बताया नहीं मेरे को, बोला कि पेंटर है, पता नहीं मेरे को भी नहीं पता, ऐसा उसने बोला। तो आप लोग समझ सकते हो ना उस फैमिली की दिक्कत और ऐसे की कठिनाई, इसीलिए उसके पास मोबाइल नहीं था। उसमें इस बंदे की बेचारे की क्या गलती है आप ही बताओ मेरे को। उसको जितना हो सके उतना मैंने समझाया कि अपने माँ बाप को कभी दोष मत देना, वो लोग तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, कुछ गलत वलत मत कर देना भाई। मैं तो घर आ गया था, लेकिन वो वाले इंसिडेंट मेरे हार्ट को टच हुआ था भाई, हार्ट को, दिल से बोल रहा हूँ मैं। भगवान की दुआ से मेरे पास सब कुछ है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो गाइस इसीलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करा है, जिसमें आप सभी के मदद से अगर 1K हो गए, सच्ची बता रहा हूँ मैं भाई, अगर भाई 1K आप लोग ने कर दिया तो मैं डेली गिव अवे करूँगा। मैंने पहले भी बोला था कि ये वाला वीडियो सिर्फ मेरे जैसे मिडिल क्लास बंदे को ही इफेक्ट करेगा, मेरे जैसा। मेरे को अभी भी वो इंसिडेंट सोच के कुछ हो रहा है भाई, अभी भी। तो अभी मैं आगे तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको लाइक मेरे को चाहिए ही नहीं, आप जितना हो सके उतना शेयर करो। ये सभी जो यूट्यूबर्स हैं ना, 6 मिलियन, 7 मिलियन, कोई कोई तो 10 मिलियन करके बैठा है, सभी जो यूट्यूबर्स फ्री फायर कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, एक भी दिन मैंने देखा नहीं है गिव अवे करने का, सब कुछ अपना देख रहा है। कोई बात नहीं, करो, तुम अपना करो, लेकिन मैं इधर ये करने के लिए नहीं आया हूँ। 1K करूँगा, ऐसा गिव अवे करूँगा कि वो लोग बोलेंगे अरे भाई तू क्या कर रहा है भाई। अच्छा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, तो ज़्यादा कुछ आगे मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग इतना झटका हुआ है, अभी मैं कुछ गाली वाली दे दूँगा। ठीक है, रखता हूँ, चलो जय हिंद।